बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि च्युइंगम आपका वज़न कैसे कम कर सकती है। जी हाँ, वही च्युइंगम जिसे हम लोग चबाते हैं उससे हम अपना वज़न भी कम कर सकते हैं। ये बहुत तेज़ी से वज़न भी कम करती है। तिबी माहरीन का मानना है कि च्युइंगम हमारी सेहत के लिए इस वक्त तक अच्छी हो सकती है जब इसे एक हद में रखा जाए। ये ज़रूर है, ना सिर्फ हमारी सांसों को तरोताज़ा कर सकता है बल्कि सिगरेट नोशी पर काबू पाने में, हमारी याददाश्त को बेहतर बनाने में और वज़न कम करने में भी मददगार हो सकती है। कैलोरीज जलाने में कैसे मददगार होती है? चहलकदमी के दौरान च्युइंगम चबाने से दिल की धड़कन बढ़ाने और कैलोरी जलाने में मदद फराहम करती है। जर्नल ऑफ फिजिकल थेरेपी साइंस में शाया होने वाली एक तहकीक के मुताबिक चहलकदमी के दौरान च्युइंगम लोगों को ज़्यादा तेज़ी से चलने और थोड़ी ज़्यादा तवानाई इस्तेमाल करने की तरगीब देती है, जिससे लोगों को उम्र बढ़ने के साथ वज़न बढ़ने से बचने में मदद मिल सकती है। च्युइंगम चबाने से भूख कम लगती है। भूख का कम लगना च्युइंगम भूख को कम कर सकती है, पेट भरने के एहसास को बढ़ा सकती है और कम खाने की तरगीब दे सकती है, जिसकी वजह से ज़्यादा खाने का इम्कान कम हो सकता है। ज़्यादा खाने की तलब या ख्वाहिश कम करती है। खाने से पहले और बाद में च्युइंगम का एक टुकड़ा चबाने से स्नैक्स या मीठे खाने की ख्वाहिश कम हो जाती है और ज़्यादा खाना खाने से बचने में मदद मिलती है। फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी में शाया होने वाली एक तहकीक ने इशारा किया है कि च्युइंगम लोगों में ज़बरदस्ती खाने की तलब या ख्वाहिश कम कर सकती है। क्या च्युइंगम वज़न कम करने में वाकई ही मददगार है? अगरचे च्युइंगम कैलोरी को कम करने और फरबा कम करने वाले स्नैक से बचने में मदद कर सकती है, लेकिन ये ज़रूरी है कि ज़्यादा मकदार ना खाई जाए। तिबी माहरीन का इस बात पर इत्तेफाक है कि च्युइंगम की गज़ाइत के लिहाज से कुछ भी नहीं है, इसलिए इसे मामूल के मुताबिक खाया जाए और खाने के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल ना किया जाए। अगर आप लोग वज़न कम करना चाहते हैं जब आप च्युइंगम खा रहे होते हैं तो इससे आपको भूख कम लगती है, भूख का एहसास नहीं होता, तो इसकी वजह से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।